good morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So we have already completed our syllabus of final term examination, that means whole book has been completed. One chapter was skipped in the middle, that is chapter number 22, geometrical constructions. Okay, so I will tell you a little bit of basics of the geometrical constructions. Okay, so first of all we will be learning, okay, how to draw a line segment. First is how to draw a line segment. आप सभी को पता होगा ये पहले से, but फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको how to draw a line segment. ठीक है? Line segment का मतलब होता है एक ऐसी line जिसकी length fix हो. Suppose आपको बोला गया draw करनी है आपको line segment. Draw line segment AB is equal to 8.4 centimeters. आपको draw करनी है line segment AB is equal to 8.4 centimeters. तो आप जानते हैं कि आप क्या use करेंगे, अपनी scale use करेंगे. और scale कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है. छोटी scale में total कितने होते हैं? 15 centimeters होते हैं. यहाँ 0 होता है. This is 1. ठीक है? और इसके बीच में कितने डिविजन्स होंगे? 10 डिविजन्स होंगे, छोटे छोटे. 1, 2, 3, 4, पांचवा बड़ा होता है 6, 7, 8, 9 और दसवां ये आ गया सीधे 1 के ऊपर. ठीक है? ऐसे से करते 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 यहाँ पे आपका क्या हुआ? 15 सेंटीमीटर का मार्क बना. ठीक है? अब आपको ड्रॉ करनी है लाइन 8.4 सेंटीमीटर की. तो आप स्केल ऐसे रखेंगे, सपोज आपका यहाँ पे 8 आ रहा है. ठीक है? सपोज आपका यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका कितनी डिविजन होंगे? 10 डिविजन. तो यहाँ पे लिखा होगा 1 छोटी, 2, 3, 4 छोटा, पांचवा आपका बड़ा होगा 6, 7, 8, 9 और 10 में आपका यहाँ पे 9. ठीक है? इस तरीके से स्केल यूज होती है आपकी. तो आप ऐसे स्केल को रखेंगे, अपनी पेंसिल को यहाँ रख करके इसके सीना किनारे से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है? और 8.4 कहाँ पर आएगा? 8 तक पहुंच गए, 4 कहां पर है? 0.4 कहां पे आएगा? 1, 2, 3 और 4 यहां पे. तो इस तरीके से ये लाइन ड्रा हो जाएगी. यहां पे ए लिख देंगे और यहां पे बी लिख देंगे. तो दिस इज द मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ एनी लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्केल. ठीक है? जो आपका स्केल है उसकी हेल्प से इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए मूविंग फर्दर. अगर आपको बोला गया टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसको ध्यान से देखेंगे. टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. सपोज आपसे बोला गया एक लाइन सेगमेंट है, उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है. ठीक है? देखिए, सपोज आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे एबी, लाइन सेगमेंट एबी. ठीक है? और इसकी लेंथ आप मान लीजिए 6 सेंटीमीटर के इक्वल है. आपको बोला जा रहा है कि इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जो AB के एग्जैक्टली बी से पास हो और साथ ही साथ यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन. क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब है AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब एग्जैक्टली बी से पास हो. मतलब अगर पूरी 6 सेंटीमीटर की है तो यहां पे यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर हो, यहां से यहां तक भी 3 सेंटीमीटर हो, तो ये क्या हो जाएगा? AB का बाइसेक्टर हो जाएगा. और साथ ही साथ यहां पे 90 डिग्री बनाए तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा. इसका मेथड क्या है? ये रफ डायग्राम, दिस वाज रफ डायग्राम. अब हम देखेंगे कि एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा. स्केल की हेल्प से आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे और उसमें लिखेंगे AB. ठीक है? उसके अलावा आप क्या लेंगे? कंपास लेंगे. ठीक है? और कंपास में पेंसिल लगा के उसको ओपन करेंगे. कितना ओपन करेंगे? कि वो इस 6 सेंटीमीटर के आधे, मतलब कि 3 से
ज्यादा हो, है ना। कितना पॉइंट करेंगे कि वो लेंथ क्या हो, कंपास में जो लेंथ मेजर करेंगे क्या हो, इसके हाफ से ज्यादा हो। हाफ से ज्यादा मतलब कि हाफ थ्री होगा, थ्री से ज्यादा हो मतलब फोर फाइव कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया एक लिया क्या बोलते हैं 4 सेंटीमीटर का आर्क और यहां पे रखेंगे और यहां से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर भी ड्रॉ करेंगे और नीचे भी ड्रॉ करेंगे, इधर से भी यही करेंगे, ऊपर भी ड्रॉ करेंगे और नीचे भी ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम क्या पाएंगे, ये वो लाइन होगी जो एबी को एग्जैक्टली टू पार्ट में डिवाइड भी कर रही होगी और साथ ही साथ इस पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी। यही आपकी क्या है, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल इन टुडेज क्लास। योर होमवर्क इज दैट यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। In tomorrow's class, I'll be also telling you how to measure the angles with the help of the protractor and also how to draw the angles with the help of protractor. So that is all in today's class, students. Okay? See you in the next class. Thank you.